शहीद होने के की भावना जिसके दिल में है, जैसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। इन्होंने सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। पिछले चुनाव में विधानसभा में ये लड़े थे, आपने मात्र 2000 वोट से हराया। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के सच लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं उनके साथी हैं उनसे डरते हैं, ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे?
मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं आप नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए, और आपसे मिलकर सबकी बातें सुनकर कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला, उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है, और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। नौजवानों के लिए एक 5000 करोड़ रुपए का फंड होगा, आप कारोबार शुरू करना चाहेंगे, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपकी मदद होगी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े उनको भरा जाएगा, अग्निवीर को रद्द किया जाएगा, देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।